सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के बारे में समाचार जारी है और आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद आज पहला इजलास मुतवक्के है। सैरिश खान इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। सैरिश बताइएगा। बिल्कुल, नए जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके आने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का पहला इजलास आज मुतवक्के है। जराए के मुताबिक इजलास में आर्टिकल 63 के समेत दीगर जो अहम मुकदमात हैं वो भी एजेंडे में शामिल है। उसके अलावा आइंदा दो हफ्तों के लिए जो बेंचेस की तश्कील का मामला है वो भी इस एजेंडे के अंदर शामिल है। जो 3 जिसमें जजिस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आजिफ फारूक दीसा, जस्टिस मंजू अली शाह और जस्टिस मीनुद्दीन खान शामिल है। ये पहले बताती चलूँ की इससे कल जो प्रैक्टिस प्रोसीजर जजिस कमेटी थी पुराने कानून के मुताबिक उसके अंदर इस जजिस कमेटी के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। तमाम जो ऑर्डिनेंस आया उसके बाद इस कमेटी के अंदर तब्दीली की थी और चीफ जस्टिस ने जज की जगह जस्टिस मुनीब खान का नाम नामजद किया था। और आज ये 3 जस्टिस नई जजिस कमेटी है ये अपना पहला इजलास करने जा रही है। जी शुक्रिया सैरिश खान।